नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद कई देशों में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। तीसरी लहर की आशंका के बीच सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने चेतावनी दी है कि व्यापार और फाइनेंशियली हब के जरिए अर्थव्यवस्था खुलेगी, लेकिन इसके साथ कोरोना के मामले भी बढ़ेंगे। लोगों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि हम न्यू नॉर्मल तक पहुंचने के लिए चार स्टेज की योजना पर काम कर रही है। कुछ खबरों की माने तो उन्होंने कहा कि अगर व्यापारी और मैनेजर्स अपने क्लाइंट्स और सहयोगियों से मुलाकात करने के लिए विदेशों के दौरे नहीं करेंगे तो हमारी कंपनियां आगे नहीं बढ़ सकती। कुंग ये भी कहते हुए नजर आए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी यहाँ निवेश करना मुश्किल होगा यदि उनके लोगों को सिंगापुर के अंदर और यहाँ से बाहर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है। वहीं मीडिया की खबरों के अनुसार अगर ऐसी स्थिति जारी रहेगी तो हमारी रोजगार पैदा करने और जीविकोपार्जन की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से संक्रमित के मामले और मौतों की तादाद कम से कम रखने के लिए भी हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अधिक से अधिक नागरिकों को वैक्सीनेट करें जितना संभव हो, जिससे लोगों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा कम हो सके। यानी कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है इस कोरोना से लड़ने के लिए। और कोरोना की जो थर्ड या फिर जो भी फोर्थ वेव है, जिस भी देश में जो भी वेव आ रही है उसको रोकने के लिए और उससे लड़ने के लिए सिंगापुर में भी अर्थव्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा सरकार चिंतित नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री सिंगापुर के कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अपने देश की जनता को वैक्सीनेट करना एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ। अफगानिस्तान में स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। तालिबान की फौज ने कई प्रांत की राजधानियों पर अपना कब्जा कर लिया है। अफगान अधिकारियों ने बताया कि तालिबान ने कुंदुज हवाई अड्डे स्थित सेना के स्थानीय मुख्यालय को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके साथ ही पूर्वोत्तर सूबे पर चरमपंथी संगठन का पूरा कब्जा हो गया है। हालांकि अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी के बीच बागियों के हमले जारी हैं। हाल के हफ्तों में समूचे अफगानिस्तान में उपद्रवियों ने बढ़त हासिल की है और जिलों तथा बड़े ग्रामीण हिस्सों पर नियंत्रण करने के बाद प्रांतीय राजधानी की ओर अपना रुख कर लिया है। वहीं देश की राजधानी काबुल में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के बावजूद हमले लगातार तेज हो रहे हैं। सैन्य तौर पर जीत और सत्ता पर काबिज होने पर मान्यता नहीं दी जाएगी। तालिबान ने अफगान सरकार के साथ बातचीत की मेज पर लौटने की अपीलों को अनसुना कर दिया। उत्तरी सरेपुल प्रांत की परिषद के प्रमुख मोहम्मद नूर रहमानी ने कहा है कि तालिबान ने प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है। उनके मुताबिक अफगान सुरक्षा बलों ने एक हफ्ते तक शहर को तालिबान के कब्जे में जाने से बचाने की कोशिश की, लेकिन सरेपुल शहर पर तालिबान का नियंत्रण हो ही गया। तो सरेपुल शहर पर तालिबान का नियंत्रण लगातार बना हुआ है। पूरे पूर्वोत्तर सूबे पर अब तालिबान का कब्जा बना हुआ है। यानी कि तालिबानी जो आतंकी हैं वो लगातार अफगानिस्तान के कई राज्य को अपना निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं और कई राज्यों पर उनका वर्चस्व लगातार जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम शहर ऐसे हैं जहां पर तालिबानी आतंकियों ने अपना कब्जा कर लिया है। यहाँ जो रिहायशी इलाके हैं उनमें तोड़फोड़ की जा रही है, घर फूंक दिए जा रहे हैं। जो वहाँ की आवाम है, जो कि निर्दोष है, उन्हें भी उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है। उन पर अत्याचार भी लगातार किया जा रहा है। तालिबान ने कब्जे वाले अफगान क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन का अब देश के 75% हिस्से पर नियंत्रण है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के नेताओं से कहा है कि वे अपनी मातृभूमि के लिए खुद लड़े। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में जो बाइडेन ने कहा, अफगान नेताओं को एक साथ आना होगा। अफगान सैनिकों की संख्या तालिबान से अधिक है और उन्हें लड़ना ही चाहिए। उन्हें अपने लिए लड़ना ही होगा, अपने देश के लिए लड़ना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें अपने सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले पर खेद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये देखते हुए कि वॉशिंगटन ने 20 वर्षों में $1 ट्रिलियन से अधिक खर्च किया है और हजारों सैनिकों को खो दिया, इस लिहाज से उनका फैसला जायज है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका अफगान बलों को महत्वपूर्ण हवाई सहायता
भोजन, उपकरण और वेतन प्रदान करना जारी रख रहा है। काबुल में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि वो उन क्षेत्रीय मिलिशिया गुटों से मदद मांग रहे हैं जिन्होंने सालों से तालिबान से मोर्चा लिया है। अशरफ गनी ने नागरिकों से अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक तालिबान की रक्षा करने की अपील की है। तालिबान ने अब अफगानिस्तान में 9 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया जिनमें फैजा, फरहा, पुले खुमारी, सरेपुल, शेरबान, इबग, कुतुंज, तालुकान और जरज शामिल है। बशंका प्रांत की राजधानी फैजाबाद के स्थानीय सांसद जबीहुल्लाह अतीक ने समाचार एजेंसी को बताया कि कई दिनों तक चली भारी झड़पों के बाद सुरक्षा बल शहर से पीछे हट गए। इसके बाद तालिबान ने शहर पर कब्जा कर लिया है, यानी कि पूरे जो दुनिया की निगाहें हैं वो इस वक्त अफगान पर बनी हुई है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का जो वर्चस्व है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अफगान के जो नेता हैं उन्हें एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होंगे वो तभी तालिबान को या तालिबान के जो आतंकी हैं उन्हें उनका सामना कर सकते हैं क्योंकि जो अफगान की सेना है वो काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन साथ आने की जरूरत है। अगर सभी नेता साथ आते हैं तो फिर तालिबान को वहां से खदेड़ा जा सकता है। पाकिस्तान उन 9 देशों में शामिल है जहां के लोगों को उमरा के लिए सऊदी अरब में एंट्री से रोक दिया गया। पाकिस्तान के श्रद्धालुओं को उमरा के लिए सऊदी अरब में आवेदन करने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में धार्मिक मामलों के केंद्रीय मंत्री नूर अल हक कादरी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में इसकी जानकारी साझा की है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन लोगों ने चीनी वैक्सीन सिनोविक और सिनोफार्म लगवाई है उन्हें सऊदी में मान्यता प्राप्त 4 वैक्सीनों में से किसी एक का बूस्टर डोज भी लगवाना होगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक सिर्फ उन्हीं लोगों को सऊदी अरब में जाने की अनुमति दी जाएगी जो वैध टूरिस्ट वीजा के साथ साथ मान्यता प्राप्त वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। पाकिस्तान में अधिकतर लोगों को चीन की ही वैक्सीन लगाई गई है। सऊदी अरब में प्रवेश के लिए ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायोनेटिक या मॉडर्न अथवा जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मान्यता दी गई है। सऊदी अरब स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उमरा के लिए शर्तों के लिए लोगों को मक्का में एंट्री की 9 अगस्त से इजाजत दी गई है। सऊदी अरब वही लोगों के उमरा के लिए जा सकते हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पिछले 17 महीनों से विदेशी पर्यटकों को देश में एंट्री नहीं मिल रही थी। इसके लिए पहले 1 अगस्त से टूरिस्ट वीजा धारकों की देश में एंट्री पर लगे बैन को खत्म कर दिया गया था। हालांकि मक्का में हज के लिए बाहरी देश के लोगों को अभी भी अनुमति नहीं है। सऊदी अरबी वीजा पोर्टल की ओर से जारी बयान के मुताबिक वैध पर्यटन वीजा के साथ देश में आने वाले सभी आगंतुकों को मान्यता प्राप्त टीकों का पहले ही पूरा डोज लगवाना होगा। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायोनेटिक या फिर मॉडर्ना टीके की 2 खुराक अथवा जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 1 खुराक पहले ही लगवानी होगी तभी देश में एंट्री मिल सकती है। तो सऊदी अरब ने बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान वो देश है जो कि उस लिस्ट में शामिल नहीं है जो लिस्ट सऊदी अरब ने जारी की है क्योंकि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चीन की वैक्सीन लोगों को लगाई गई है और जो वैक्सीन की यहाँ पर मनाही है वो पूरी तरह से चीन की है और जिनको यहाँ पर एंट्री दी गई है वो मॉडर्ना, बायोनेटिक ये तमाम वैक्सीन है जो कि पाकिस्तान में उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की वजह बने 8 साल के बच्चे पर पुलिस ने ईशनिंदा कानून के तहत आरोप लगाया है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार है जो किसी 8 साल के बच्चे पर ईशनिंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाक पुलिस ने बच्चे को हिरासत में ले लिया है। ईशनिंदा के आरोप के तहत उस बच्चे को मौत की सजा हो सकती है। बच्चे पर मदरसे में बेअदबी करने का आरोप है। इसके साथ स्थानीय मौलानाओं ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को उकसाया और पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। पुलिस ने बच्चे को हिरासत में ले लिया लेकिन बाद में उसे जमानत दे दी गई है। बच्चे को छोड़ते ही कट्टरपंथी भड़क गए और सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर एक हिंदू मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। कट्टरपंथियों ने मंदिर के सारे शीशे तोड़ दिया और मंदिर को आग के हवाले कर दिया। कुछ दिनों पहले से ही ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ऐसा पहली बार होगा। दरअसल हिंदू बच्चे पर ईशनिंदा का आरोप लगा जिसके बाद उसे मौत की सजा हो सकती थी लेकिन जमानत पर उसे रिहा कर दिया गया, जिस पर मुस्लिम कट्टरपंथी जो लोग हैं उन्होंने आपत्ति जताई और फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई।
अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ तालिबान ने 8 राज्यों पर कब्जे के बाद अब तालिबान ने एयरफोर्स स्टेशनों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने MN-24 अटैक हेलीकॉप्टर को भी अपने कब्जे में कर लिया। ये हेलीकॉप्टर साल 2019 में भारत ने अफगानिस्तान को गिफ्ट दिया था। 2 दशक की लड़ाई के बाद अमेरिका और नाटो सैनिकों की अंतिम वापसी के बीच अब तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान का 2/3 हिस्सा चल गया है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के कब्जे वाले इलाके से घिरे बाल्ख सूबा गए हैं ताकि तालिबान को पीछे धकेलने के लिए स्थानीय सरहदों से मदद मांगी जा सके। उन्होंने सेना प्रमुखों को भी हटा दिया। तालिबान की बढ़त से फिलहाल काबुल पर सीधे तौर पर खतरा नहीं है, लेकिन उसकी गति से सवाल पैदा हो रहे हैं कि अफगान सरकार कब तक अपने दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण रख सकेगी। कई मोर्चों पर सरकार के विशेष कार्रवाई बलों के साथ लड़ाई चल रही है, जबकि नियमित सैनिकों की लड़ाई के मैदान से भागने की खबरें भी आ रही हैं। हिंसा की वजह से हजारों की संख्या में लोग शरण के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं। इस महीने के अंत तक अपने सैनिकों की वापसी पूरा करने वाला अमेरिका कुछ हवाई हमले कर रहा है, लेकिन खुद को जमीनी लड़ाई में शामिल करने से बच रहा है। तो तालिबान के तांडव से अफगान पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा है। अफगानिस्तानी जो है वो लगातार पूरी तरह से, कुछ जो आवाम है वो निर्दोष है, लेकिन तालिबान उन पर पूरी तरह से अटैक यानी कि वर्चस्व बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने अपने सैनिक वहां से हटा लिए हैं। अमेरिका वहां पर बमबारी तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ हवाई तौर पर, जमीनी स्तर पर वहां से सैनिक पूरी तरह से हटा लिए गए हैं। ऐसे में अब तालिबान ने जो धावा बोला है वो एयरफोर्स स्टेशन पर, यहाँ पर बमबारी की जा रही है। तालिबानियों का जो आतंक है वो एयरफोर्स स्टेशन पर भी बरकरार नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से कोशिश तो कर रही है कि जो भी नियंत्रण रेखा है उन पर काबू पाया जा सके और दूसरे देशों से मदद मांगी जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि तालिबानी आतंकी जो है वो लगातार इस लड़ाई पर अंजाम पहुँचाते हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ की जो आवाम है जो कि बेकसूर है उन पर जुल्म के इंतहा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से पैर पसार रहा है। दिनों दिन तालिबान अपनी ताकत से अफगानिस्तान के प्रांतों को तेजी से कब्जे में ले रहा। वहीं अब खबर आई है कि तालिबान ने बड़ी कार्रवाई कर कंधार जेल को तोड़ दिया है और कई राजनीतिक कैदियों को छुड़ा लिया है। तालिबान पिछले महीने भी इस जेल पर हमला कर चुका था, लेकिन उसे कैदियों को छुड़ाने में कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बुधवार को फिर उसने पूरी ताकत के साथ कंधार जेल पर हमला किया। ऐसे हमलों से अफगान सरकार को सीधे चुनौती दी जा रही है। तालिबानी आतंकियों ने कुंदुज प्रांत में अफगान सेना के मुख्यालय पर भी कब्जा कर लिया। मंगलवार को तालिबान ने उत्तर पूर्वी बदशकन प्रांत की राजधानी फैजाबाद पर कब्जा किया। तालिबान ने गत 5 दिनों में 9 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। वहीं तालिबान ने भारत को 2019 में अफगान सेना को तोहफे में दिए M-124 लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लिया। बुधवार को कुतुंज एयरपोर्ट पर कब्जे के दौरान तालिबान ने इसे हथिया लिया है। तो तालिबानी लगातार कंधार जेल को भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई कैदियों को वहां से मुक्त कराया गया है। ऐसे में हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के 6 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। कब्जे के बाद हजारों की संख्या में स्थानीय लोग अपना घर छोड़कर भाग निकले हैं। ऐसी स्थिति में तालिबान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार भारतीय वायुसेना की मदद चाहती है। कुछ खबरों की माने तो अफगानिस्तान सरकार चाहती है कि भारतीय वायुसेना अफगानिस्तान जाकर अफगान एयरफोर्स की मदद करे। गनी सरकार की आशंका है कि 31 अगस्त तक अमेरिकी फौजों के पूरी तरह अफगानिस्तान से निकलने के बाद तालिबान की हिंसा और ज्यादा बढ़ जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच हिंसक संघर्ष लगातार बढ़ता गया है। तालिबानी आतंकियों की नजर अफगानिस्तान के मजार शरीफ शहर पर है, जो कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा उत्तरी शहर है। मजार शरीफ पर तालिबान का कब्जा इलाके से अफगान सरकार के नियंत्रण के खात्मे का संकेत होगा। ये शहर परंपरागत तौर पर तालिबान विरोधी रहा है। अफगानिस्तान में सरकारी फौजों को कंधार और हेलमंद में इस्लामी चरमपंथियों का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाका पश्तो बोलने वाले लोगों का है, जहां से तालिबान को मजबूती मिलती रही है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अख्तर के बीच फोन पर भारतीय वायुसेना द्वारा काबुल में अफगान वायुसेना की मदद पर चर्चा हुई थी। अब ऐसे में देखना होगा कि भारतीय वायुसेना कब तक अफगानिस्तान की मदद के लिए पहुंच पाती है। तो तालिबान का
खात्मा चाहता है अफगान, लेकिन तालिबान का जो वर्चस्व है वो लगातार बढ़ा हुआ है। ऐसे में उसके आगे अफगान कहीं ना कहीं घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भारत को एक चौंका देने वाली रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आज से 80 साल बाद यानी कि 21वीं सदी तक भारत के 12 शहर 3 फीट पानी में डूब जाएंगे। इस रिपोर्ट की माने तो मैदानी इलाकों में भारी तबाही आएगी। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के चलते ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने से होगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ओखा, मारगुओ, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, कोची, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किड्रोपोर तटीय इलाकों पर ग्लोबल वार्मिंग के असर से बर्फ के पिघलने का आसार ज्यादा दिखेगा। ऐसे में भविष्य में तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल का कड्रोपोर इलाका, जहां पिछले साल तक समुद्री जलस्तर के बढ़ने का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, 21वीं सदी तक आधा फिट पानी यहां पर बढ़ जाएगा। दरअसल नासा ने एक सी लेवल प्रोजेक्शन टूल बनाया है। इससे समुद्री तटों पर आने वाली आपदा से वक्त रहते लोगों को निकालने और जरूरी इंतजाम करने में मदद मिलेगी। इस ऑनलाइन टूल के जरिए कोई भी भविष्य में आने वाली आपदा यानी कि बढ़ते समुद्री जलस्तर का पता कर सकेगा। तो नासा ने भारत को ये रिपोर्ट दी है जिसमें एक चौंका देने वाला खुलासा किया गया है। बताया गया है कि 21वीं सदी के अंत तक भारत के करीब करीब 12 शहर ऐसे होंगे जो पानी में पूरी तरह से डूबते हुए नजर आएंगे। जो भी तटीय इलाके हैं वहां पर वो शहर डूब जाएंगे। तो ऐसे में इस रिपोर्ट से जिस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है, इससे ये जरूर कहा जा सकता है आने वाले समय में खतरे का अंदाजा जो है पहले ही हो जाएगा। ऐसे में तटीय इलाकों को खाली कराकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सकता है। मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में चीन के हैकर्स ने इजराइल में बड़े स्तर पर साइबर अटैक किया है। चीन के साइबर ग्रुप UNC215 ने इजराइल की सरकारी संस्थानों, आईटी कंपनियों के अलावा टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को निशाना बनाया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया की साइबर सिक्योरिटी कंपनी फर्स्ट आई ने हमले के पीछे चीन के हैकर्स के होने का खुलासा किया है। कंपनी ने यह भी बताया कि हैकर्स ने इन कंपनियों का फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस से जुड़ा डाटा चोरी कर लिया। इसमें यूजर्स का डाटा भी शामिल है। अमेरिका के कैलिफोर्निया की साइबर सिक्योरिटी कंपनी फर्स्ट आई के मुताबिक UNC215 ने हैकिंग के लिए हाइपरब्रो नाम के मेलफेयर का इस्तेमाल किया। चीन ने इस साइबर हमले की जिम्मेदारी ईरान पर थोपने की कोशिश भी की। हैकर्स को पता था कि इसराइल हमले की जांच करेगा, इसलिए उन्होंने ऐसे सबूत छोड़े जिससे हमले का शक ईरान पर जाए। हैकर्स ने ऐसे टूल यूज किए जिनका उपयोग आमतौर पर ईरान के हैकर करते हैं। उन्होंने आपस में फारसी में बात की। UNC215 ग्रुप 2014 से मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया और अमेरिका में साइबर अटैक कर रहा है। हैकर्स का एक ग्रुप गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, डिफेंस, फाइनेंस और हेल्थ केयर सेक्टर को निशाना बनाता है। इससे पहले यह हैकर ग्रुप ईरान, यूएई और कजाकिस्तान पर भी साइबर अटैक कर चुका है। तो इसराइल पर चीन का साइबर अटैक, हैकर्स ने सरकारी कंपनियों का डाटा चुराया है, जो निजी वहां के लोग हैं उनके भी निजी डाटा चुराए गए हैं। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश की तैयारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित था। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर भारत और चौथे पायदान पर मंगोलिया है। इसके साथ ही चीन के जिनयांग प्रांत के होटल शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। इस लिस्ट में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का गाजियाबाद शहर दूसरे नंबर पर है। गाजियाबाद में PM2.5 का लेवल 106.6 माइक्रो किलोग्राम M3 तक पाया गया। PM2.5 PM कण के बारे में बताता है। PM2.5 सबसे छोटे वायु कणों में से एक होते हैं और इसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। 2020 में स्वच्छ हवा के लिए दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खराब जगहों पर स्विस वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ IQ एयर से डाटा एकत्रित करने से रिपोर्ट बनाई गई है। 5 से कम प्रदूषित शहरों वाले देशों को सूची में शामिल नहीं किया गया। चीन के होटन शहर में PM2.5 110.2 माइक्रोग्राम M3 तक पाया गया है। इसके पीछे स्थानीय सेंट्रोम को जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि यह शहर दुनिया के सबसे बड़े स्थानांतरण रेगिस्तान तकलीमाकान के पास है।
गाजियाबाद के मामले में रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक सिस्टम खराब है, यहाँ वायु प्रदूषण का उच्च स्तर पाया गया है। तो चीन का होटेन 2022 में सबसे प्रदूषित शहर रहा, वहीं भारत का गाजियाबाद दूसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक में कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्र हित में बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार है। इस बैठक का विषय इंडिया @75 गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टूगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत था। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण की शुरुआत में कहा कि सीआईआई की ये बैठक इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के माहौल में है, आजादी के अमृत महोत्सव के बीच हो रही है। ये बहुत बड़ा अवसर है भारतीय उद्योग जगत के नए संकल्पों के लिए, नए लक्ष्यों के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। वो कहते हैं कि आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। पिछले कुछ सालों में जो बदलाव हुए वे सभी ने देखे। भारत कई क्षेत्रों में निवेश को आमंत्रित कर रहा है। भारत में बने प्रोडक्ट्स की महत्व की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्थिति तेजी से बदल रही है। देशवासियों की भावना भारत में बने प्रोडक्ट्स के साथ है। कंपनी भारतीय हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर भारतीय भारत में बने प्रोडक्ट्स को अपनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमें लगता था कि जो कुछ भी विदेशी है वही बेहतर है। इस साइकोलॉजी को क्या परिणाम हुआ कि आप जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज भली बात ही समझते हैं। हमारे अपने ब्रांड भी हैं जो हमने सालों की मेहनत के बाद खड़े किए, उनको विदेशी नामों से ही प्रचारित किया जाता रहा है। तो सीआईआई की वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया। कहा कि सरकार राष्ट्र हित में लगातार बड़े रिस्क उठाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इस बार भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक बयान पर नजर रखी जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सुबह 6:45 नया इतिहास रचने से चूक गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को GSLV-F10 रॉकेट ने उड़ान तो भरी, लेकिन मिशन समय से 10 सेकंड पहले ही खराब हो गया। मिशन कंट्रोल सेंटर को रॉकेट के तीसरे स्टेज में लगे क्रायोजेनिक इंजन से 18.29 मिनट पर सिग्नल और आंकड़े मिलने बंद हो गए। इसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरों पर तनाव की लकीरें भी देखने को मिली। थोड़ी देर तक वैज्ञानिक आंकड़ों के मिलने और अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे थे। फिर मिशन डायरेक्टर ने जाकर सेंटर में बैठे इसरो चीफ डॉक्टर के सिवान को सारी जानकारी दी। इसके बाद इसरो प्रमुख ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खामी पता चली है, जिसकी वजह से मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। इसके बाद इसरो ने घोषणा की कि मिशन आंशिक रूप से विफल रहा। तत्काल इसरो का चलाया जा रहा लाइव प्रसारण बंद कर दिया गया। अगर ये मिशन कामयाब होता तो सुबह करीब 10:30 बजे से यह सैटेलाइट भारत की तस्वीरें लेना शुरू कर देता। इस लॉन्च के साथ इसरो ने पहली बार 3 काम किए थे। पहला सुबह 6:45 बजे सैटेलाइट लॉन्च किया, दूसरा जियो ऑर्बिट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्थापित करना था, तीसरा ओजाइव पोलाइट फियरिंग यानी बड़े उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजना था। तो इसरो का E0S3 सैटेलाइट लॉन्च होने से फेल हो गया। क्रायोजेनिक इंजन से पूरा खेल बिगड़ता हुआ नजर आया। केंद्र के पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यात्रा के एक समान नियम अपनाने की अपील की है। मंत्रालय कहता है कि पूर्ण टीकाकरण करा चुके यात्रियों को कोविड का RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाने से छूट दी जानी चाहिए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जल्द ही अंतर्राज्यीय यात्रा करने वाले यात्रियों को RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाने से छूट मिल सकती है। दरअसल अभी कुछ राज्यों में आने वाले वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को भी RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़। वहीं कुछ राज्यों में वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले लोगों को बगैर नेगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट की यात्रा की अनुमति है। भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर अब कम हो गया है। अब तक 3,20,00,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,29,000 से ज्यादा अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 3,12,00,000 लोग महामारी से मुक्त भी हो चुके हैं। वहीं करीब 4,00,000 एक्टिव केस हैं, यानी ये लोग अब भी संक्रमित है, इनका इलाज जारी है। वहीं टीकाकरण की बात करें तो अब तक 52,00,000 से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो चुका है, जिनमें से एक डोज भी शामिल है और दो डोज ले चुके लोग भी शामिल है। देश में महिलाओं के कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़ों ने केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। वैक्सीन की कमी से
पहले डोज लगाने के मामले में भारत लगभग अपनी आधी आबादी को कवर करने के करीब है। ऐसे में देश में वैक्सीन लगवाने के मामले में महिलाओं के आंकड़ों में कमी चिंताजनक है, खासकर कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वैक्सीनेशन आंकड़ों में काफी अंतर है। वहीं केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वैक्सीनेशन के मामलों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं आगे हैं। खबरों की माने तो देश में वैक्सीन की अब तक लगभग 52.2 करोड़ डोज दी जा चुकी है। इनमें से 46% डोज महिलाओं को दी गई है। केंद्र सरकार के सीनियर अधिकारी के अनुसार देश में एक समय पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में वैक्सीनेशन के आंकड़ों में 7 से 8% का गैप रहा। देश में महिला और पुरुषों की जनसंख्या अनुपात में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन का यह गैप बहुत ज्यादा है। पुरुषों और महिलाओं में वैक्सीनेशन का यह अंतर 2 से 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोविड-19 के लिए बनाए गए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप फॉर वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले हफ्ते इस मसले को लेकर बैठक की थी। इसके बाद अब केंद्र सरकार महिलाओं में वैक्सीनेशन के आंकड़ों में बढ़ोतरी के लिए लगातार तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसी वजह से मामलों में वृद्धि हुई। 90% मामलों में डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। फिलहाल भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 86 केस हैं। देश में कहीं भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों में तेजी नहीं पाई गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुजीत सिंह ने बताया कि जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए 270 से ज्यादा जगहों की पहचान की गई, 15 सैंपल लैब भेजे गए हैं। कुछ जिलों में एक भी मामले सामने नहीं आए, लेकिन हम 15 दिनों का बफर रखते हैं। वहीं डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि बूस्टर डोज पर नेगवेक पर इस पर चर्चा होगी। पिछले बैठक में भी इस पर चर्चा की गई, हम इसके पीछे के साइंस को देख रहे हैं। WHO ने बूस्टर डोज पर रोक लगाने का आह्वान किया, ये प्रोसेस में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 24 घंटे में देश में 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पिछले कुछ दिनों में 40,000 के लगभग मामले दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन अब इसमें लगातार कमी आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।